दोस्तों निकल गए अपने होटल से, 2:15 हो रहे हैं, मौसम ना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी है ना पतली पोल, वहाँ पे भी हैवी स्नोफॉल हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि भैया मेरी गाड़ी अटके, अपना टाइम से निकल जाओ बेटर है। काफ़ी बर्फ़ हमने देख ली जी भर के, आगे का नज़ारा तुम्हें दिखेगा कि नहीं पता नहीं। ये है भाई दोस्तों, 360 बनाते बनाते मेरा हाथ गया, मैं सुनील दत्त बन गया। कोई पिक्चर थी उसमें सुनील दत्त ना यूं था, पता है भैया, फुल एकदम एडवेंचरस मोड में। नकुल भाई आर्मी का बंदा लग रहा हूँ, आर्मी का कर्नल। सपना ये था? अरे भैया गाड़ी भी सही चला रहे थे ना आर्मी के हिसाब से, फिर सपना पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या बोल सकते सर, नहीं था मुकद्दर में। हैं, फिजिकल रह गया? फिजिकल रह गया। अच्छा, प्रैक्टिकल रह गया। ये देखो भाई, आपको दिखाता हूँ, ये देखो ध्यान से देखो, जैसे मोती से गिर रहे हैं, ठीक है, देखो फिर से मोती से गिर रहे हैं, ये ऐसी बर्फ है मोती वाली। जैसे वो नहीं तो ओले, छोटे छोटे ओले से पड़ रहे हैं, ऐसी बर्फ पड़ रही है भाई। ओहो क्या बढ़िया लग रहा भाई साहब, अगर सेंटा कहीं है तो यही है। अंग्रेज सोचो में सेंटा हमारा भगवान है, हमारे देश में रहता हुआ है, यहाँ रहता है भैया, मनाली वहाँ नहीं रहता। बाइकर्स तो भाई बहुत बुरा टेंगे, उनके साथ तो बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। आराम से भाई, आराम से जाना, लद्दाख जा रहे हो क्या? लद्दाख तो पहुँच भी नहीं पाओगे। ये ऊपर जा रहा मॉल रोड, नॉर्मल है। अरे निकाल देगा भाई, अभी बैक करेगा, बोले मैं धक्का मार के, ऑल्टो इतनी हल्की गाड़ी है, उसको धक्का मार के निकाल दो। ये देखो प्रभु भाई, मैं धक्का मार के निकाल दिया, ऑल डन। इनका हाल देखो, इनका हाल देखो, स्पोर्ट्स शूज स्पोर्ट्स शूज पहन के आ रहे भाई। गई, अरे आंटी देख के मुंह के बल जाओगे, चश्मा कीचड़ में जाएगा और मुंह पे चश्मे की वजह कीचड़ आ जाएगा। ये देखो भाई इनके जूते देखो आप, ये मनाली आ रहे हैं बर्फ में। यही गुस्सा आता है, यही। अच्छा इधर से शॉर्टकट, उधर तो सही बात है, जाम लग रहा भाई। ओ भाई साहब, ये खींच के निकल गई भाई। भाई वो तो धक्का लगाते रह जाएंगे भाई। ये देखो ना जिप्सी भाई साहब, तो चढ़ाई में बर्फ में क्या भागी है। ये देख ले भाई, माल रोड तेरे राइट साइड में ये है, अभी भीड़ के में कहाँ मजा आता है इतना। ये देखो भाई साहब, एक भाई ने काले बूट वो पहने जूते सिंपल ऑफिस वाले, एक ने स्पोर्ट्स शूज। क्यों करते हैं ऐसा? डॉगी देखो, डॉगी जरा ठंड में। वो देखो भाई साहब जूते देखो उनके, ये तो गिरते पड़ते जा रहे हैं। ए ए ए ओ भाई साहब बच गए दोस्तों। वो देखो दूर भाई, बहुत तगड़ा जाम लग रहा, बहुत तगड़ा भाई, दिक्कत होगी भाई बहुत ज़्यादा। ये देखो पूरा ही ना, वो जो ये चीड़ के पेड़ हैं भाई, पूरे जंगल सा इतना मस्त लग रहा है, और ऊपर ये पहाड़ बर्फ, कौए उड़ रहे हैं। ये देखो भाई पड़ गए, अंकल जी स्लिप कर गए भाई। ये स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आ रहे हैं, यही मैं समझा रहा हूँ भाई, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के मत आया करो आप, प्रॉपर गेयर लेकर आया करो एटलीस्ट। डेकाथलॉन से ट्रैकिंग शूज़ लेके रखो, उससे ही काम चल जाता है, मेरे पास भी तो वही है। गाइस कंटेंट लीजिए आप, ये देखो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के और लगेज लेके चल रहे हैं, बताओ। ये देखो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के लगेज लेके गिरते पड़ते जा रहे हैं। ये देखो अभी मौसम देखो बहुत तगड़ा हो रहा है, सुपर वेदर, बादल देखो अभी भी नीचे हैं। देखो फिर क्या पहन के आ रहे हैं, इन लोगों के साथ तो वो हो गया। मोए 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 मोए
और आ रहे क्रॉक्स पहन के भाई साहब, एक लेवल अप लग रहा है यहाँ पे कॉन्टेंट इन जा कर रहा मेरा। अभी स्लिप 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 होगा सब कुछ, ऐसे देखते हैं कोई गिरेगा, ऐसे देखते हैं क्या होता है। अरे आशा सर एक बार फिर, सर एक बार फिर वीडियो के लिए क्रॉक्स पहन के ट्रैकिंग ट्रैक चप्पल, दिस इज भाई ये असली असली एडवेंचर चप्पल में भाई साहब, ये तो अलग ही लेवल है। ये स्पोर्ट्स शूज, स्पोर्ट्स शूज में नहीं आते ट्रैकिंग शूज, एटलीस्ट डिकाथलॉन से ट्रैकिंग शूज लेकर रखा करो एक आप दिमाग में जाने। जैसे वो था ना डी डी एल जे में पलट पलट, डी डी एल जे में था किसमें था, ऐसे यहाँ पे है सिलट स्लिपट स्लिपट स्लिपट, अरे स्लिप करो। ये देखो भाई साहब बीड़ी पीते हुए हिमाचल का किंग कौन, भिक्कु मात्रे भाई। अगली बार करते हैं ये कोरा ही कोरा झूमर के साथ डोबी की पैराग्लाइडिंग है ये, कभी भी आप आओ ना डोबी में पैराग्लाइडिंग करना। ये देखो भाई वहीं पे ही माल रोड, 2 बजे चले थे घर से मतलब होटल से और 4 बज गया, 2 घंटे से ही बैठे हैं, भूख लग रही है भाई, सुबह से बस एक पराठा खा रखा और 10-12 चाय पी रखी है और कुछ नहीं। ये देखो भाई लाइफ सेविंग ड्रग्स, अब इनके भरोसे चलना पड़ेगा थोड़ी देर। कौए उड़ रहे भाई साहब, धीरे धीरे चल तो रहा है यार ट्रैफिक, और शाम हो गया 2.5 घंटे हो गए। ये देखो भाई जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है, पानी की बारिश कीचड़, इट्स नॉट ईजी। बाकी भाई मनाली पार हो गया, अब होपफुली पहुँच ही जाएंगे अपनी जगह पर। ये देखो भाई ये नीचे पानी देख रहे हो, धुआं धुआं सा दिख रहा होगा पानी में, इसे बोलते हैं कलाथ, ये कुंड है और गर्म पानी है, हॉट वाटर स्प्रिंग। देखो चलो भैया भाई हॉट वाटर देख रहे हो, धुआं धुआं, ये जाके आगे फिर अपना ब्याज से मिल जाता है उल्टा। लो जी फाइनली पहुँच गए हम अपनी गाड़ी के पास, रिवर फेस बीएनबी। दोस्तों हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं पतली कोल में जहाँ पे हमने खड़ी करी थी, ये इसका नाम मैं भूल गया क्या था, फेस कुछ करके था, मैं इसका लिंक डाल दूँगा अगर मुझे मिलेगा ना तो। अच्छी जगह है, ओनर काफ़ी अच्छा है, बहुत ही इसने मदद करी हमारी, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप आओ तो यहाँ एटलीस्ट, अगर रुकना नहीं है तो खाना वाना खा के जाओ। ये देखो मेरी शीशे पर देखो बर्फ़, यहाँ भी स्नोफॉल हुआ है अच्छा, साइड में भी देखो पूरी बर्फ बर्फ हो रखी है। तो बस अब यहाँ से सीधा घर ही पहुँचेंगे और ट्रिप को यहीं ख़त्म करते हैं व्लॉग में, क्योंकि अब यहाँ से वापस जाने में अगर कुछ एक्साइटिंग होगा तो दिखाऊंगा, अदरवाइज सीधा घर ही चलते हैं। जो मेन मोटिव था हमारा स्नोफॉल का वो कम्प्लीट हो गया है, चेजिंग स्नोफॉल से अकम्प्लिश स्नोफॉल, चेज स्नोफॉल। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर सकते हैं, स्टेटस डाल सकते हैं फ्रेंड्स के साथ जैसे मर्जी, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करना, लाइक या एक हार्ट छोड़ सकते हो, इमोजी छोड़ सकते हो कोई भी, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, ठीक है। ट्रैवलिंग इज़ नॉट ईजी और हम कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय। मनाली से जब से निकले ना बारिश ही बारिश हो रही है, विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है और आराम से ही गाड़ी चला रहा हूँ मैं बिल्कुल, और लेट पहुँचेंगे, सुबह पहुँचेंगे इनफैक्ट 6-7 बजे तक। बढ़िया पूरा रास्ता ना ऐसे ही है, बारिश और कम विजिबिलिटी, ऊपर से ये सारी वॉल्व वगैरह ना इनका टाइम ही है जाने का, ये वो परेशान कर रही है। टफ लाइफ ट्रैवल ब्लॉगर्स, टफ लाइफ। चलो यार भाई।